दिल्ली एनसीआर में जानलेवा स्तर पर प्रदूषण, आज भी कई इलाकों में एक्यूआई 500 से ऊपर। 15 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल बंद। रफेल डील और सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं की एंट्री को लेकर दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। फैसले को लेकर सबरीमाला मंदिर के आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर पर लागू होगा आरटीआई कानून, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के 17 अयोग्य विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, लेकिन उपचुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत मिली, सभी बीजेपी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस, एनसीपी ने कमेटी बनाई, कहा समर्थन से पहले हर मुद्दे पर चर्चा जरूरी। शिवसेना बोली मुख्यमंत्री उनका ही होगा, अमित शाह ने कहा शिवसेना की 50-50 की मांग गलत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 130वीं जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। खुदरा महंगाई दर अक्टूबर महीने में 4.62% पर पहुंची, पिछले 16 महीने में सबसे ज्यादा। और इंदौर टेस्ट में बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, ईशांत शर्मा टीम में शामिल।